उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में रोड शो किया और उसके बाद सभा को संबोधित किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव को बीजेपी ने राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है। शाम 4 बजे जगह हैदराबाद, सड़क पर भारी भीड़, क्रेन से होती पुष्प वर्षा, दूर से देखने पर पता चल रहा था कि भगवा कपड़े में कोई व्यक्ति बस की छत पर खड़ा है। इतनी ही देर में कैमरे का एक नजदीकी दृश्य दिखता है और पहचान साफ हो जाती है कि बस की छत पर खड़े भगवा वस्त्र पहने ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। शाम 6 बजे रोड शो के बाद योगी आदित्यनाथ की सभा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर। इस तस्वीर की खास बात क्या है जानते हैं आप? भगवा वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो माइक है उसे भी भगवा रंग के कपड़े से ढका गया है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि ये एक बड़ा संदेश है जो और कोई समझे ना समझे ओवैसी भाइयों को जरूर समझ में आ गई होगी जो अब तक ये कह रहे थे कि वो योगी से नहीं डरते। किसी के बाप से डरने वाला नहीं, ना ही कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ के रोड शो ने ओवैसी भाइयों के दिमाग का तापमान बढ़ा दिया है। हैदराबाद में जब योगी का रोड शो शुरू भी नहीं हुआ था सिर्फ ये खबर आई थी कि योगी रोड शो करने हैदराबाद जाएंगे, तब से ही असदुद्दीन ओवैसी के भाई और AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी विवादित बयान देने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा और अपने कार्यकर्ताओं से उन्हें कहना पड़ा कि वो मोदी योगी से नहीं डरते। जब योगी ने रोड शो के बाद सभा को संबोधित किया तो उन्होंने ओवैसी भाइयों को अपने अंदाज में जवाब दिया। किसी के बाप से डरने वाला नहीं, नहीं कल के चाय वाले से डरने वाला, नहीं कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। वो दिन गए जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। बहुत दिनों तक निजाम साई के पिछलों को बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे और यहाँ पर ये लड़ाई 1 दिसंबर को होने वाले हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव के लिए है और विरोधियों में चिंता इसलिए ज्यादा है कि बीजेपी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव की तरह लड़ रही है। वाकई आप हैरान हो रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में क्या कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैदराबाद क्यों आए और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैदराबाद क्यों आ रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह है। बिहार से होता हुआ यह राजनीतिक रास्ता हैदराबाद से बंगाल पहुंचेगा। आप याद रखिए अप्रैल मई में बंगाल में चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्यों अहम है इसे बताने से पहले आपको उस चुनाव के वर्तमान समीकरण को समझना जरूरी है। हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में कुल 150 सीटें हैं और मुख्य मुकाबला बीजेपी के चंद्रशेखर राव की पार्टी TRS और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच है। वर्ष 2016 के नगरपालिका चुनावों में TRS को 99 सीटें मिली थी, AIMIM को 44 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिली थी। 4 सीटों वाली बीजेपी इस बार हैदराबाद के चार मीनार पर चढ़ाई के इरादे से उतरी है।